जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह का ईयरिंग बनाएंगे। ये मैंने ऑरेंज कलर से ईयरिंग बनाया है। इसमें सेंटर में मैंने तीन मोती लगाए हैं। इस तरह से मैंने ये बड़ा प्यारा सा ईयरिंग बनाया है। तो चलो हम इस ईयरिंग को बनाना शुरू करते हैं। इस ईयरिंग को बनाने के लिए मैंने अपने यहाँ शटल से हम बनाएंगे ईयरिंग। आप इसे नीडल से भी बना सकते हैं। अपनी शटल के अंदर मैंने अपना ये थ्रेड ऑरेंज कलर का थ्रेड डाल लिया। इस तरह के मेरे को ये बीड लगाएंगे मैं। आप इसमें कोई भी कलर का बीड ले सकते हैं। जिस कलर का आप ईयरिंग बना रहे हैं उस कलर का आप ये ले सकते हैं। और मैंने इसमें ईयरिंग हुक लिया है और क्रोशिया लिया। तो चलो इन सभी से हम अपना ईयरिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी शटल के अंदर आगे की तरफ हम थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे, जिससे हम उसमें अपना कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे। थोड़ा सा मैं छोड़ देती हूँ, जिससे अपना कोऑर्डिनेशन। आप इसे दो शटल से भी बना सकते हैं। मैंने सिंगल शटल से बनाया है। इसमें इस तरह से अपना ये आगे की तरफ मैंने इसमें थ्रेड छोड़ दिया। अब इसमें हम अपना शुरू में हम अपनी ये वाली एक थ्री शुरू में हम अपनी इसमें 1 2 3 ये शुरू की तीन हम अपनी ये रिंग बनाएंगे। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे, जिसके अंदर हम बीट लगाते हैं। शुरू में हम अपनी थ्री रिंग बनाते हैं। थ्री रिंग बनाने के लिए शुरू में हम अपनी फर्स्ट रिंग में 4 डबल नोट, फिर पिकेट, फिर 6 डबल नोट, फिर पिकेट, फिर 4 डबल नोट बनाते हैं। सेकंड रिंग के अंदर अपने 4 डबल नोट बना के अपनी प्रीवियस रिंग से इसे ज्वाइन करते हैं। फिर 6 डबल नोट, 1 पिकेट, फिर 6 डबल नोट, सेकंड पिकेट और 4 डबल। इस तरह हमारी सेकंड रिंग कंप्लीट होती है। थर्ड रिंग हमारी फर्स्ट रिंग के जैसे बनती है। फिर हमारे कोऑर्डिनेशन वर्क में हम 3 डबल नोट बना के 1 पिकेट, 3 डबल नोट, 1 पिकेट और 3 डबल नोट। इस तरह से ये हमारा पैटर्न, इन्हीं 4 चीज़ों से हमारा ये पैटर्न रिपीट होता है। फिर हमारी 5th रिंग फर्स्ट रिंग की तरह बनेगी। 6th रिंग हमारी सेकंड रिंग की तरह बनेगी। 7th रिंग हमारी थर्ड रिंग की तरह बनेगी। फिर 8th में हमारा कोऑर्डिनेशन वर्क हमारे कोऑर्डिनेशन वर्क की तरह होगा। इसी तरह से ये 3 रिंग है हमारी और कोऑर्डिनेशन वर्क रिपीट होते हुए हमारा ये ईयरिंग बनता है। तो हम अपनी इसमें फर्स्ट रिंग बनाते हैं। तो फर्स्ट रिंग में शुरू में मैं इसमें 4 डबल नोट बनाती हूँ। फोर डबल नोट बनाने के बाद इसमें हम फर्स्ट पिकेट बनाते हैं। उसके बाद इसमें हम 6 डबल नोट बनाते हैं। सिक्स डबल नोट बनाने के बाद इसके अंदर हम अपनी सेकंड रिंग बनाएंगे, सॉरी सेकंड पिकेट बनाएंगे। फिर 4 डबल नोट बना के अपनी फर्स्ट रिंग को हम कंप्लीट करते हैं। जो मैं नीडल से ईयरिंग बताती हूँ, उन ईयरिंग को भी आप शटल से बना सकते हैं। शटल वाले ईयरिंग को भी नीडल से बना सकते हैं। जिससे से आपको बनाना इजी लगे आप उससे इसे बना सकते हैं। इस तरह हमारी फर्स्ट रिंग कंप्लीट हो गई है। अब अपनी सेकेंड रिंग बनाते हैं। सेकेंड रिंग में शुरू में हम 4 डबल नोट बना के अपनी प्रीवियस रिंग से इसे ज्वाइन करते हैं। प्रीवियस रिंग से ज्वाइन कर दिया। अब इसमें 6 डबल नोट बनाएंगे, फिर अपने पिकेट बनाते हैं। सिक्स डबल नोट बनाने के बाद इसमें हम अपनी एक पिकेट बनाते हैं। ये पिकेट हम मीडियम साइज की बनाएंगे। फिर इसमें 6 डबल नोट बनाते हैं। सिक्स डबल नोट बनाने के बाद हमने इसमें वापस से सेकंड पिकेट बनाते हैं और इसमें 4 डबल नोट बना के अपनी सेकंड रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी सेकंड रिंग कंप्लीट होती है। अब हमारी सेकंड रिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हम अपनी थर्ड रिंग बनाएंगे, जो हमारी बिल्कुल फर्स्ट रिंग की जैसे बनेगी। बस इसे हम अपनी प्रीवियस रिंग से ज्वाइन करते हैं। तो शुरू में 4 डबल नोट बना के इसे अपनी प्रीवियस रिंग से हमें ज्वाइन करते हैं। उसे हमने ज्वाइन कर दिया। उसमें 6 डबल नोट बनाएंगे। सिक्स डबल नोट बना के इसमें अपनी पिकेट बनाते हैं।
फोर्थ अपलोड बना के अपनी थर्ड रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी ये तीनों रिंग कंप्लीट हो गई है। अब अपना हम कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन वर्क करने के लिए जो हमने अपना थ्रेड छोड़ा है, उस थ्रेड को हम इस तरह से अपनी चिटली पे इस तरह से लपेट लेते हैं, जिससे हमारा ये, अब इसके ऊपर हम अपना कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन वर्क करने के लिए शुरू में हम इसके अंदर 3 डबल नोट बनाते हैं। थ्री डबल नोट बनाने के बाद इसके अंदर हम अपनी फर्स्ट पिकेट बनाते हैं। ये पिकेट थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमको अपना बीट भी लगाना रहता है। फिर इसके अंदर हम 3 डबल नोट बनाते हैं। फिर इसमें हम सेकंड पिकेट बनाते हैं, जो भी हमारी बड़ी बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमें अपना सेकंड मोती लगाना रहता है। फिर 3 डबल नोट बना के अपने कोऑर्डिनेशन वर्क को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारे कोऑर्डिनेशन वर्क भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 पिकेट बना लिए, इससे हमारा कोऑर्डिनेशन वर्क कंप्लीट हो गया। अब अपनी हम इसके अंदर हम फोर्थ रिंग बनाएंगे। फोर्थ रिंग बनाने के लिए मैं इसमें अपनी शुरू में जिस तरह से हम अपनी फर्स्ट रिंग बनाते हैं उसी तरह से हम अपनी फोर्थ रिंग बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, 4 डबल नोट बनाते हैं और इसे प्रीवियस रिंग से हम ज्वाइन कर देंगे। फोर डबल नोट बनाने के बाद अपनी जो प्रीवियस रिंग से इसे हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। प्रीवियस रिंग से हमारी ज्वाइन होगी, उसके बाद इसमें हम 6 डबल नोट और 4 डबल नोट बना के अपनी इस रिंग को मैं कंप्लीट करती हूँ। तो हमारी फोर्थ रिंग कंप्लीट होती। अब हम अपनी फोर्थ रिंग कंप्लीट कर ली है। अब अपनी फिफ्थ रिंग कंप्लीट करेंगे, जो हमारी सेकेंड रिंग की तरह बनेगी। शुरू में हम 4 डबल नोट बनाते हैं, उसे प्रीवियस रिंग से ज्वाइन कर देते हैं। अपने फोर डबल नोट बना के अपनी प्रीवियस रिंग से ज्वाइन कर दिया। इसमें 6 डबल नोट पिकेट, 6 डबल नोट और 4 डबल नोट बना के अपनी मैं फिफ्थ रिंग को भी कंप्लीट करती हूँ। ये बिल्कुल हमारी सेकंड रिंग के जैसे बनेगी। अब हमने अपनी फिफ्थ रिंग कंप्लीट कर ली है। अब अपनी 6 रिंग बनाएंगे, जो बिल्कुल हमारी फोर्थ रिंग की तरह बनेगी। इसमें 4 डबल नोट बना के अपनी प्रीवियस रिंग से इसे ज्वाइन कर देते हैं। इससे हमने इसमें 4 डबल नोट बना लिए, इसमें 6 डबल नोट और 4 डबल नोट बना के अपनी मैं 6 रिंग को भी कंप्लीट करती हूँ, जो हमारी बिल्कुल थर्ड रिंग के जैसे बनेगी। इससे हमने अपनी 6 रिंग भी कंप्लीट कर ली है। हमारा ये रिंग में 6 रिंग कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हम अपना कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन वर्क में हमारा पहले अपने धागे को हम इस तरह से लपेट लेते हैं। अब अपना कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे। कोऑर्डिनेशन वर्क में शुरू में मैं इसमें 3 डबल नोट बनाती हूँ और फिर इसमें अपने प्रीवियस कोऑर्डिनेशन वर्क से ज्वाइन करूँगी, एक बीट लगाती हूँ। तो शुरू में 3 डबल नोट बनाती हूँ मैं। अब हमने 3 डबल नोट बना लिए अपने कोऑर्डिनेशन वर्क में। अब इसके अंदर हम अपना एक बीट लगाएंगे। बीट लगाने के लिए हम अपने इस वाले थ्रेड को तो छोड़ देंगे जो हमारे कोऑर्डिनेशन वर्क का है। अब हमारे शटल वाले थ्रेड को हम अपनी उंगली पे इस तरह से लपेटेंगे और अपने एक मोती को लेंगे और अपनी कोऑर्डिनेशन वर्क की फर्स्ट पिकेट में से इस तरह से डालेंगे और अपने इस वाले थ्रेड को जो हमारा शटल का, उस थ्रेड को इसमें से हम निकाल लेंगे। और अपने कोऑर्डिनेशन वाले थ्रेड को इसमें से हम इस तरह से इसमें से निकाल लेते हैं और ये हमारा ज्वाइन हो जाता है।
इस तरह से हमारा ज्वाइन हो गया। अब वापस से अपने कोऑर्डिनेशन वर्क के थ्रेड को अपनी उंगली पर लपेट लेते हैं और इसमें हम वापस से 3 डबल नोट बनाते हैं। थ्री डबल नोट बनाने के बाद इसके अंदर हम एक पिकेट बनाते हैं और 3 डबल नोट बना के अपने कोऑर्डिनेशन वर्क को हम कंप्लीट करते हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन वर्क, सेकंड कोऑर्डिनेशन वर्क भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह हमने एक इसमें बीट लगा दिया। अब वापस से हम अपनी 7th रिंग में आ गए, जो हमारी फर्स्ट और थर्ड रिंग, 4th रिंग के जैसे बनेंगे। दूसरी में 4 डबल नोट बना के मैं इसमें अपनी प्रीवियस रिंग से इसे ज्वाइन कर देती हूँ। प्रीवियस रिंग के से पिकेट से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब इसके अंदर मैं इसमें 6 डबल नोट और 1 पिकेट और फिर 4 डबल नोट बना के अपनी फर्स्ट और 4th रिंग के जैसे इसे कंप्लीट करती हूँ। हम अपने 7th रिंग भी कंप्लीट कर लिए। अब 8th रिंग में आ गए। 8th रिंग में शुरू में हम 4 डबल नोट बनाएंगे और अपने प्रीवियस रिंग के से पिकेट से इसे ज्वाइन कर देते हैं। फिर इसके अंदर हम इसमें अपनी सेकेंड और 4th रिंग की तरह 6 डबल नोट पिकेट, 6 डबल नोट फिर पिकेट और फिर 4 डबल नोट बना के अपनी इसे 8th रिंग को भी मैं कंप्लीट करती हूँ। अब हमारी ये 7th रिंग भी कंप्लीट हो गई, सॉरी 8th रिंग कंप्लीट हो गई। अब अपने हम 9th रिंग बनाएंगे और हमारी लास्ट रिंग बनाते हैं अपने ईयर रिंग की। तो शुरू में 4 डबल नोट बनाएंगे और अपने प्रीवियस रिंग के से पिकेट से हम ज्वाइन कर देते हैं। अब इसमें हम 6 डबल नोट बनाते हैं। सिक्स डबल नोट बनाने के बाद इसमें पिकेट ना बना के इसे अपनी फर्स्ट रिंग की पिकेट से हम ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रिंग है। फर्स्ट रिंग की इस पिकेट से हम इसे ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट रिंग की पिकेट से ज्वाइन करने के लिए इस तरह से अपने वर्क को हम पकड़ते हैं और इस तरह से इसके अंदर हम अपने ईयर रिंग को ये फर्स्ट रिंग से इसे ज्वाइन कर देते हैं। फिर इसके अंदर हम 4 डबल नोट बना के अपने इस रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारा ये रिंग कंप्लीट होता है। इस तरह हमारा ईयरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम अपना लास्ट कोऑर्डिनेशन वर्क करेंगे। हमारी ईयरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं। अपने कोऑर्डिनेशन वर्क वाले थ्रेड को हम इस तरह से शुरू में हम 3 डबल नोट बनाएंगे अपने कोऑर्डिनेशन के थ्रेड में। इस तरह से अपने ईयरिंग को हम फोल्ड कर लेते हैं, 3 डबल नोट बनाते हुए। थ्री डबल नोट बनाने के बाद अपने इस थ्रेड को हम छोड़ देते हैं और अपने शटल वाले थ्रेड को हम अपनी उंगली पे लपेटते हैं। अब इसे अपने प्रीवियस रिंग के कोऑर्डिनेशन वर्क से ज्वाइन करते हैं। पहले अपने क्रोशिया में बीड लेते हैं और उसे अपने पिकेट में डाल के फिर इसे प्रीवियस रिंग के पिकेट से इसे ज्वाइन करते हैं।
पहले हम बीट डालेंगे और फिर इसके अंदर इसे अपने शटल वाले थ्रेड से निकाल के अपने कोऑर्डिनेशन वर्क वाले थ्रेड को हम इसमें से निकालेंगे। इस तरह से हमारा ज्वाइन हो गया। फिर अपने शटल वाले थ्रेड को हम खोल देते हैं और अपने कोऑर्डिनेशन वर्क वाले थ्रेड को हम वापस से अपनी उंगली को लपेट लेते हैं। फिर वापस से हम इसके अंदर 3 डबल नोट बनाते हैं। थ्री डबल नोट बनाने के बाद इसमें अपने फर्स्ट कोऑर्डिनेशन वर्क से ज्वाइन करेंगे। तो अपने कोऑर्डिनेशन वर्क के थ्रेड को हम छोड़ देते हैं, शटल वाले थ्रेड को अपनी उंगली पे लपेटते हैं और अपने फर्स्ट कोऑर्डिनेशन वर्क में हमारी एक पिकेट और है उससे इसे ज्वाइन करते हैं। तो इसे ज्वाइन करने के लिए एक बीट लेती हूँ मैं। पहले हम अपने एक बीट डालते हैं और फिर इसे अपने इस कोऑर्डिनेशन वर्क से हम इसे ज्वाइन करते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन वाले थ्रेड को इस लूप में से हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ 2 शटल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये ज्वाइन हो गया। फिर अपने शटल वाले थ्रेड को हम खोल देते हैं और अपने कोऑर्डिनेशन वाले थ्रेड को उंगली पे इस तरह से लपेटेंगे और इसके अंदर हम 3 डबल नोट बनाते हैं और अपने कोऑर्डिनेशन वर्क को भी हम कंप्लीट करते हैं। फिर हमारे कोऑर्डिनेशन वर्क भी कंप्लीट हो गया। अब इस कोऑर्डिनेशन वर्क को अपनी फर्स्ट रिंग के हम जो हमारा लूप है यहाँ से इसे ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम नोट लगा के अपने दोनों थ्रेड को हम कट कर देते हैं और इन दोनों थ्रेड को हम बिल्कुल फिनिशिंग से अपने ईयरिंग में फिनिश कर देते हैं। इसको बिल्कुल ईयरिंग बिल्कुल फिनिशिंग से एडजस्ट कर देंगे। इस तरह मैंने दोनों थ्रेड को बिल्कुल फिनिशिंग से एडजस्ट कर दिया है और अपने ईयरिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके एक तरफ हम जो बड़ी वाली पिकेट है उसकी पिकेट से इसमें ईयरिंग हुक लगा देते हैं। इस तरह हमारा ईयरिंग कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारे दोनों ईयरिंग कंप्लीट हो जाते हैं और जो बनने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आपको मेरे ईयरिंग की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।